नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना अपनी रिवोल्ट बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि जो डिस्प्ले है इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें दिखाता है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ डिस्प्ले आपके भी आप सामने जो आ रहा है ना, वन बाई वन हम सारे फीचर्स की बात करेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर ये जो चीज़ आती है ना रेंज, और यहाँ पर डिस्प्ले होती है, मतलब अभी करंट 24% बैटरी में ये 33 किलोमीटर और चल जाएगी, तो ये रेंज यहाँ पे डिस्प्ले होती है। और ये अभी ऑडोमीटर दिखा रहा है, मतलब कितनी टोटल हमारी बाइक जो है चल चुकी है। यहाँ पे हमें बैटरी इंडिकेटर शो होता है और इसी के नीचे यहाँ पे चार्जिंग का साइन शो होता है जब इसको हम चार्ज करते हैं तो। और ये जो एम्पेयर लाइन दिख रही है यहाँ से ऐसे और ऐसे जाके, तो जितना आप थ्रोटल खींचते हैं यहाँ पर एम्पेयर उतने ज़्यादा ऊपर की तरफ बार से इंक्रीज होते हैं। जितना पावर आपके मोटर लेगी बैटरी से वो यहाँ पे शो करता है, मतलब एम्पेयर उतने ज़्यादा ऊपर जाते हैं। ये है आपका स्पीड के लिए, मतलब किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड अभी आ रही है। और ये टेम्परेचर आता है एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब अभी जो आउटसाइड का जो इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो ये दिखाता है। ये जो टेम्परेचर जो देख रहे हैं ना सेल्सियस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका टेम्परेचर दिखाता है जिसके सिस्टम का, यानी कि जो इसका यूनिट है अंदर लगी हुई कंट्रोलर वगैरह उसका टेम्परेचर दिखाता है। तो ये जो ये ना यूजुअली 2 या 3 ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आता है तो इशू है आपकी बाइक में। 3 तक जाता है गर्मी में और सर्दियों में 2 तक जाता है। और ये अपने मोड यहाँ पर डिस्प्ले करता है, जैसे अभी ये इको मोड पर है, अगर इसको हम चेंज करें तो ये अभी सेकेंड मोड पर नॉर्मल दिखाने लगता है यहाँ पर, और थर्ड मोड पर स्पोर्ट्स दिखाने लगता है। अकॉर्डिंग टू मोड्स रेंज भी चेंज होती है, जैसे फर्स्ट मोड अभी हमने देखा ये फर्स्ट मोड और 33 रेंज, सेकेंड मोड 21 किलोमीटर की रेंज, थर्ड मोड 24% में 16 किलोमीटर की रेंज। तो इस तरह से कुछ ये इसकी रेंज कैलकुलेट होती है। अब इस रेंज को अगर आपको ट्रिप पे लाना है तो उसके लिए वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी इस वीडियो में भी हम बता देते हैं। ये वाला जो स्विच होता है ना जिससे आप हेडलाइट को अप डाउन करते हैं, इसको आपको 3 बार प्रेस करना होता है, ऐसे 1 2 3, तो आपका जो रेंज का ये कॉलम है ये ब्लिंक होता है। फिर से आपको हेडलाइट वाले स्विच को 1 बार प्रेस करना है तो ट्रिप पे आ जाता है, और ट्रिप पे आने के बाद फिर से आप 1 बार करते हैं तो RPM पे आ जाता है, फिर से करेंगे तो फिर से ट्रिप पे आ जाता है। ट्रिप को 0 करने के लिए 6 बार अप डाउन करना होता है। ये किलोमीटर पे आ गया रेंज, किलोमीटर से आपको अगर ये रेंज को चेंज करना है माइल्स में तो यहाँ से आप चेंज करेंगे तो वो माइल्स में चेंज हो जाता है। तो अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो रेंज पर जाके ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेके। बाकी इसमें नीचे के साइड जो है इंडिकेटर्स का पैनल दिया हुआ है, मतलब जैसे अभी ये पार्किंग मोड पे है, अगर ये बाइक अभी पार्क है साइड स्टैंड पे लगी हुई है, तो अगर साइड स्टैंड हटाएंगे और ये वाला बटन आप ऑन करेंगे नीचे तो ये रेडी आ जाएगा, ये हो गया रेडी। हेडलाइट का जो दिखाता है हाई बीम का वो यहाँ पर दिखाता है, इंडिकेटर्स का यहाँ पे दिखाता है इस तरह से, और बीच में और भी कुछ इसमें साइन आते हैं, इसे कोई एरर वगैरह का है, इंजन चेक लाइट है वो यहाँ पे आती है, मोटर चेक लाइट सॉरी। तो ये कुछ एक टूर था आपके लिए रिवोल्ट RV 400 के मीटर कंसोल का। बाकी आपके कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, हम फिर से उसका सोल्यूशन लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।